सुबह से लेकर शाम हो गया है, रात भी होने वाली है, भंडारा रुका नहीं है। रुका नहीं है। कितने हजार लोग खाली महाराज जी बताए? अभी तक ये आंकड़ा 40 के पार हो चुका है। इस स्टोरी को कवर करने के पीछे का मकसद ये है कि इस मंदिर में कोई पंडित जी नहीं है। नहीं। हम साल में दो प्रोग्राम मनाते हैं, हनुमान जन्मोत्सव और शनि जन्मोत्सव। पूरी अपनी तन मन धन पूरी शक्ति झोंक देते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं करते और बाबा का पूरा आशीर्वाद हमको मिलता है। और ये कब तक चलने वाला है? अभी तो मतलब सोचो कि हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं 8 बज रहे हैं। जी ये कम से कम 11 तो बजेंगे ही। हाँ। और वैसे भी हमारे पास पूरी तैयारी इतनी रहती है कि आखिरी व्यक्ति आखिरी भोग। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, महाबली बजरंग बली की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तस्वीर और ये माहौल और ये उत्साह देख पा रहे हैं रिसाली डीपीएस चौक मंदिर का, हनुमान मंदिर का। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, सुबह से लेकर शाम रात तक यह जन्मोत्सव मनाते जाएगा। और हम मौजूद हैं भिलाई सेक्टर 9 मंदिर के बाद जो है सबसे भव्यता और सबसे बड़ा भंडारा होता है वो है रिसाली डीपीएस चौक स्थित कपीश्वर बजरंग बली का मंदिर है, कपीश्वर धाम कह सकते हैं। जी हमारे साथ विश्वधर शर्मा जी हैं जो कर्ता धरता है, आयोजक के समिति के पदाधिकारी हैं। और इस स्टोरी को कवर करने के पीछे का मकसद ये है कि इस मंदिर में कोई पंडित जी नहीं है। नहीं, कोई पंडित जी नहीं है। ये मंदिर जो है एक समिति चलाती है जी, समिति के जो स्वयं सेवक हैं जी, जो सब अपने कार्यों में बिजी रहते हैं जी, उसके बावजूद भी अपने विशेष दिनचर्या अपने रोजी रोजगार से समय निकाल करके और इस मंदिर की सेवा करते हैं और ये उन्हीं लोगों का मंदिर है और आम जनता का मंदिर। और इसे कवरेज करने के पीछे दूसरी एक और बड़ी वजह है कि सुबह से लेकर शाम हो गया है, रात भी होने वाली है, भंडारा रुका नहीं है। रुका नहीं है। कितने हजार लोग खाली महाराज जी बताए? अभी तक ये आंकड़ा 40 के पार हो चुका है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया? टूट जाएगा। अभी 7:45 है और इस बार तो भीषण गर्मी थी, उसके बावजूद लोग दोपहर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा इस बार सुबेरे 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है दर्शनार्थियों का। कि गर्मी पे जो है आस्था भारी हो गई, आस्था भारी है हर साल की तरह। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि आज मौसम भी इतना मस्त बना दिया जी। वैसे आज क्या क्या था मेनू में भंडारे के? मेनू में हमारे यहाँ जीरा राइस जी, पूड़ी जी, हलवा जी, और चने की सब्जी। कितना कितना सामान लगा होगा? अब इसका तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। मतलब ये सब व्यवस्था कैसे की है, मतलब अरेंजमेंट वगैरह? ये मैनेजमेंट जैसे हर साल किया जाता है। हाँ। भक्तों के सहयोग से होता है। हाँ। और मंदिर कमेटी जो है वो अपनी व्यवस्था पहले लेकर के चलती है। हाँ। एक हमको एक 24 साल हो गए करते हुए जी। एक अनुभव सा हो गया है जी। कि हर साल पब्लिक 5 से 10 हज़ार के बीच पब्लिक बढ़ती है मतलब पिछले साल का आंकड़ा से जी जाती है। तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ। और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। और इसमें हमको ओनली सिर्फ बाबा की कृपा और भक्तों का सहयोग ही मिलता है। मतलब इतना बड़ा है, हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, भंडारा खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, एक मिनट के भी रुका नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं रुका, कंटिन्यूस चल रहा है। पूरी जो है मतलब ऐसा है कि जब तक यहाँ पे 200 गैलन का 200 लीटर गैलन का जो पूरी का जो गैलन है वो जब तक पूरा 12 कम से कम 10 से 12 स्टॉक नहीं हो जाता है। हाँ। तब तक वो बनते रहता है। और मान लो जैसे कल दोपहर 11-1 बजे से अगर पूरी बनना चालू हुई है तो वो तब से कंटिन्यू चल ही रही है और अभी जब तक भक्त जहाँ पे आते रहेंगे तब तक वो चलते ही रहेगा। हनुमान जी के चमत्कार की बात कर लेते हैं, चमत्कार तो ऐसे रोज देखने को मिलते होंगे, आप कोई ऐसा चमत्कार बताइए हमारे दर्शकों को जो लोग नहीं जानते होंगे। देखिए अब ये बाबा का जो चमत्कार है वो तो भक्तों की भीड़ बताती है। हाँ, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है यहाँ पे आगे। भाई किसी ना किसी के जीवन में जो परेशान रहते हैं, जिनको तकलीफें रहती है, उनकी दूर होती हैं। आज इसीलिए तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं है, किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं है। और पिछले बार से मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर थोड़ा भव्यता और बढ़ते जा रही है। जी जी जी, भव्यता क्या कुछ हो गया यहाँ पे इस बार? देखिए पिछले बार शेड का था प्रोग्राम जी। इस बार फर्शीकरण हुआ है जी। और ये भी भक्तों के सहयोग से हुआ है जी। और कुछ मंदिर कमेटी का भी सहयोग था जी। और इस बार जो है लाइटिंग भी अच्छी लाइटिंग मतलब जी लग रहा है मतलब। हाँ। दिवाली जैसा माहौल जी 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 जी। हनुमान जन्मोत्सव, उनके जन्मोत्सव पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखिए हम साल में दो प्रोग्राम मनाते हैं,
हनुमान जन्मोत्सव और शनि जन्मोत्सव पूरी अपनी तन मन धन पूरी शक्ति झोंक देते हैं जी। उसमें कहीं कोई कमी नहीं करते और बाबा का पूरा आशीर्वाद हमको मिलता है जी। और मंदिर में अभी क्या क्या होने बाकी हैं जिसके लिए आप लोग को सबकी मदद चाहते होंगे, जो सरकार की मदद हो चाहे लोगों की मदद हो, कई भक्तगण होते हैं जो मदद करना चाहते हो, क्या काम है जो करने की जरूरत है? देखिए जब इस मंदिर की, ये मंदिर एक छोटे से स्वरूप में था, महज 3 फीट का मंदिर था। मंदिर कैसे बना ये भी बता दीजिए इतिहास। ये मंदिर कैसे बना इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हाँ। ये छोटा सा मंदिर था पहले से जी। काफी उपेक्षित था जी। सामने मेरी दुकान थी, पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था जी। और मेरी सामने दुकान है, मंदिर उपेक्षित था जी। लोग गंदगी किया करते थे तो मेरा झगड़ा हो जाया करता था लोगों से। हाँ। मैं एक हिंदू आदमी हूँ, ऊपर से ब्राह्मण आदमी हूँ, थोड़ा सा मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। और मैंने उसके बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम बाबा की कृपा से अपने हाथों में ले लिया जी। और लोगों का सहयोग मिलता गया जी। और धीरे 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 आज सब आप चलता गया और आज 50,000 लोगों को भंडारा करा दिए एकदम जी। एक ही दिन में जी जी, तो जी। मैंने पूछा कि वो कौन कौन से काम अभी होने बाकी हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मदद चाहिए। वैसे तो देखिए अभी आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं कि बहुत ज़रूरी काम यहाँ किए जा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो कि एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एक वाटिका होनी चाहिए जी। थोड़ा सा जो अमूमन आज का सरकार पार्कों के पीछे पैसा खर्चा करती है। हाँ। आज ये एक दर्शनीय पार्क है जी, ये बना बनाया पार्क है। अब सरकार चाहे नगर निगम चाहे तो इसे संवार सकती है और उससे इस मंदिर की थोड़ी भव्यता, और ये आज एक सबसे बड़ा मान के चलिए कि आज एक आस्था का केंद्र हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस शहर में इसकी पहचान अलग है, सेक्टर 9 के बाद अगर लोग याद करते तो डीपीएस चौक। हाँ, तो इसकी पहचान बहुत दूर दूर तक है और यहाँ भक्त जो आते हैं खास करके शनिवार, लोग कुम्हारी तक के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, हैं। है? पाटन कुम्हारी तक के लोग आते हैं और बस अपनी अपनी आस्था है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इस मंदिर के प्रति भक्तों का आस्था जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा सरकार की तरफ से इसको हाँ थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा इसको। अम्मा क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है जी, मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, अरे क्या बात है, आप कब से आ रही मंदिर? हम दिल्ली से, दिल्ली रहते हैं, हर साल दिल्ली से आए हैं। अच्छा, हनुमान जन्मोत्सव पे आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अरे वाह, क्या बात, बताओ आप दिल्ली से, आप तो कुम्हारी बोल रहे थे महाराज जी, दिल्ली से आ गए? दिल्ली से आए हैं, हर साल कोशिश करते हैं, हर साल ही आते हैं। बाबा कोई चमत्कार, कोई किस्सा आपको याद आ रहा है? बहुत अच्छा चमत्कार है कि वैसे जब अभी भी जितनी बार मैं यहाँ से मुराद मांग के गई हूँ, हर बार मेरी मुराद पूरी हुई है, बाबा ने पूरी करी है, ऐसा मेरा मानना है। और आज तक बाबा की बदौलत ही मैं जहाँ से यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छा है। इस भंडारे की खासियत बता दूँ कि अलग से कोई पतरी वगैरह में नहीं दिया जाता है, ये भी एक खासियत है। कोई प्लेट वगैरह इधर उधर हो जाते होंगे तो? नहीं, कोई प्लेट इधर उधर नहीं होती है, उसकी सब उसकी व्यवस्था रहती है। अच्छा, एक्चुअली क्या इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है? हाँ। एक तो चौक का मामला है जी। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जी। 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 भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। जिसके कारण हमको ये व्यवस्था करनी पड़ती है। एक तो साफ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। अगर हम पतरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। और ये प्लेटें कंटिन्यूस धुलते रहती हैं। हाँ। और यूज़ होते रहती हैं। हम वन टाइम में 5,000 प्लेटें उतारते हैं। हाँ। एक बार में हम 5,000 प्लेटें उतारते हैं। अच्छा। जो कई बार धुल धुल के यूज़ हो जाती है। आप लोग अंदाजा लगा रहे थे कि भीड़ कितनी आई होगी करके? उससे हमें पूरा अंदाजा हो जाता है। हाँ, कितने बार प्लेटें धुल गई हैं कितनी, और मटेरियल को देख के भी अंदाजा हो जाता है जी। सब्जी बनी रही अभी तक, देख सकते हैं कि ये देखिए भंडार गृह है जहाँ पे अभी भी सब्जी काटा जा रहा है, वो सब्जी तैयार किया जा रहा है जो श्रद्धालु हैं, जो सेवकदार हैं उनकी ओर से। और ये कब तक चलने वाला? अभी तो मतलब सोचो कि हम जिसमें वीडियो बना रहे हैं 8 बज रहे हैं जी, ये कम से कम 11 तो बजेंगे ही। हाँ। और वैसे भी हमारे पास पूरी तैयारी इतनी रहती है कि आखिरी व्यक्ति आखिरी भोग, आखिरी व्यक्ति आखिरी भोग, कोई भूखा ना रहे, कोई सबको प्रसाद मिले। और ये देख सकते हैं कि सेवकदार हैं। कितने समय से भिड़े हो आप? सुबह लगभग 11 बजे से हम भिड़े हैं। सेवा रुके नहीं है? बिल्कुल नहीं, अनवरत चल रहा है, अनवरत चल रहा है। ये ऐसा का धाम है यहाँ पर हनुमान जी का जी। इसके द्वारा यहाँ पर कभी भंडारे की कमी नहीं होती और यहाँ अनवरत 12 बजे तक तो हम लोग का यहाँ रहता है, एस्टिमेट कि 12 बजे तक कंटिन्यू चलता ही रहता है भंडारा। आज की सब्जी का टेस्ट ही मतलब कोई टेस्ट का वो नहीं है ना, कोई टेस्ट का कुछ भी मोल नहीं है, प्रसाद है, बस खाते जाइए खाते जाइए खाते जाइए सब। बिल्कुल,
आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, तो ये सब श्रद्धालु हैं जो सेवा दे रहे हैं कपीश्वर धाम में। और पीछे किचन साइड है, और ये देख सकते हैं कि सुबह से लेकर मतलब दो दिन से लगातार तैयारी थी, और रात से जो है खाना बनना शुरू हो गया था, और सुबह से भंडारा शुरू हुआ जो अनवरत जारी है, कंटिन्यू जारी है। और इस भंडारे की जो खासियत है कि अभी तक जो दावा किया गया 40,000 से ज़्यादा लोग अभी तक प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, और अभी 8 बज रहे हैं और 11 बजे तक जो है भंडारा चलेगा। आकलन है, दावा किया जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग जो है भंडारा ग्रहण करेंगे, प्रसादी ग्रहण करेंगे। बाकी और भी अपडेट्स आपको बताते रहेंगे, चलिए साथ बने रहिए। कपीश्वर मंदिर DPS चौक पर स्थित है, और हनुमान जी के साथ साथ साई बाबा और भोलेनाथ, शनिदेव, सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। आगे आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेंगे, चलिए साथ बने रहिए। कपीश्वर धाम को लेकर आप कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हो, जय श्री राम।